जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, सेफ्टी। देखो भाई, टेम्परेचर जो है लगातार 45-50 की रेंज में चल गया, ठीक है। हर जगह यही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो गर्मी की हीट है वो ज़्यादा है 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। तो मिनिमम जो हमको काम कर रहा है इसी बीच में 12 से 4, इस टाइम पे अपना ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जरा में कुछ हो जाएगा तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है आदमी, बेहोश हो सकता है आदमी, गिर सकता है, कहीं काम कर रहा है हाइट में वहाँ बेहोश हो सकता है। तो जो हमारा प्योरिटी होना चाहिए, तो हम लोग काम है, काम तो करना ही है जब पैसा ले रहे हैं। तो कोई भी ऑनर आपको पैसा तभी देगा जब आप पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो हमको जो मैक्सिमम काम करना है, जैसे अभी 8 बजा है, 8:30 हुआ है, TBT हो रहा है, हम लोग साइट पर जाएंगे, तो ये 12 बजे तक हम सोचेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग काम करें। जब हीट वेव आएगा तो उसमें अगर हम लोग 3 बजे तक भी थोड़ा ढीला ढाला काम करते हैं, 4 बजे तक भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम अभी सुबह से ही हम लोग मोबाइल पे इंस्टाग्राम फेसबुक का रील देखेंगे, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, तो मैं छोड़ूंगा नहीं 1 बजे भी। तुम लोग को काम देना है काम के हिसाब से। अब जैसे शाम को जब धूप होती है 2 बजे 2:30 बजे धूप ज़्यादा होती है, तब तुम लोग हथौड़ी बजाता है उसमें। लेकिन जैसे 6 बजता है तो कोई उधर बैठा मिलेगा, कोई उधर बैठा मिलेगा, जबकि काम करने का टाइम वही है। धूप में थोड़ा कम हथौड़ी बजा लो, लेकिन उन 2 टाइम में काम खींचना है ना। जैसे अभी 3 घंटे मौसम सही रहेगा, 12 बजे के बाद ये कोयला यहाँ जलना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये गर्मी और तेज़ी से बढ़ेगा और 4 बजे तक रुकना भारी हो जाता है। समझ रहा है मेरी बात को? तो वही चीज़ एक माइंड में रखना है कि गर्मी से किस तरीके से बचना है, और हमको काम भी निकाल के देना है ताकि हमारा जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम कंपनी हमें पे करता रहे। तो आज मैं बात करूँगा जिस तरह से ये हमारा जिप्सम शेड का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये धीरे धीरे हाइट पे जा रहा है, 15-20 मीटर की हाइट पे हम लोग इसमें पहुँचेंगे कॉलम करते हुए और वॉल करते हुए। तो कहीं भी आप काम करेंगे तो सेफ्टी पे 2 पॉइंट कॉमन होता है, जो PPEs होता है हमारा। एक टाइप का PPEs होता है मैंडेटरी PPE और दूसरा होता है रिक्वायर्ड PPE। अब मैंडेटरी जो PPE है उसको समझना ज़रूरी है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है रिक्वायर्ड PPE, वो अलग पॉइंट हो जाता है। जैसे मैंडेटरी PPE में हमारा जो सेफ्टी सूट, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट और हैंड ग्लव, ये मैंडेटरी है, मतलब ये हर टाइम हमें पहनना ही है, ठीक है। जैसे शूज़ का जो काम है वो कोई नेल्स ना लगे, कोई कीला हमारे पैर में ना धंसे। जैकेट का काम है, ये रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है, जैसे धूल की आंधी आ जाए, रात हो जाए, लाइट चल जाए, तो कोई भी गाड़ी व्हीकल आएगा रोड से तो वो आप दूर से दिखेंगे कि वहाँ पे कोई आदमी है, ये चमकता है। हेलमेट का काम है कि कोई भी यहाँ पे फैब्रिकेशन का काम हो रहा है हाइट पर, कहीं से नट बोल्ट कुछ गिर जाए तो सिर पे लगे। अब जैसे हेलमेट के अंदर एक ये पॉइंट होता है, ये किस लिए होता है, मैक्सिमम लोग क्या होता है इसको समझते नहीं है। ये क्या होता है, कोई भी चीज़ पर गिरेगा तो ये सीधा फोर्स नहीं आने देगा, पूरे सिर पर उसको फैला देगा, जिससे जो चीज़ आपके ऊपर गिरी उसका भार थोड़ा कम हो जाएगा। अब दूसरा होता है पॉइंट रिक्वायर्ड PPE। जैसे हम लोग स्टील शिफ्टिंग कर रहा है तो उसके लिए हमें शोल्डर पैड की ज़रूरत होगी, क्योंकि कंधा बहुत नाजुक होता है, यहाँ पर काफ़ी सारी नसेस होती हैं, तो कुछ यहाँ पर स्क्रैच ना आ जाए, कुछ लग ना जाए, कट ना जाए, तो इसके लिए शोल्डर पैड यूज़ किया जाता है। अब जैसे कारपेंटर प्लाई कटिंग मशीन चलाएगा तो उसका वुडन का जो स्क्रैप होता है वो उड़ता है, तो वो आँख में चला जाएगा, तो इसके लिए फेस शील्ड की ज़रूरत होगी। जैसे ही हम लोग 1.8 मीटर की हाइट से ऊपर जाते हैं तो हमको सेफ्टी बेल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ता है और एंकरिंग। लेकिन सेफ्टी बेल्ट बहुत सारे लोग लगाते हैं, मैं यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट देखता हूँ, जैसे यहाँ खड़ा है तो यहीं फंसा देगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। वो आपके शोल्डर से हमेशा ऊपर होना चाहिए उसका हुक, और दोनों हुक फंसाना है ताकि आदमी गिरे तो ज़मीन पर ना लगे। अगर मान लो आपने 1-1.5 मीटर हाइट पे वो बेल्ट लगा रखा है और उसके बाद आप गिरते हैं तो आप तो ज़मीन में टच हो ही जाएंगे, तो बचा क्या, ठीक है। और काम करते टाइम जो है अपने आप को तो बचाना ही है, साथ में जो हमारा पार्टनर है उसको भी हमें देखना है। जैसे हम लोग सरिया लेके जा रहे हैं तो किधर भी घुमा देगा, किसी और को लग सकता है, ठीक है। मेन फोकस यही है कि हम लोग को 12 बजे तक स्पीड से काम करना है, जो भी काम है स्पीड से निकालना है, और 12 बजे के बाद 4 बजे तक अगर हम लोग ढीला भी काम करते हैं तो चलेगा। तो शाम को 8 बजे राइट
टाइम तक हमको मेहनत से काम करना है और आउटपुट निकालना है। तब क्या होगा, जो दो तीन घंटे का जो बीच में है वो हम लोग रेस्ट भी कर सकते हैं, कम काम करेंगे चलेगा, ज़्यादा पानी पीएंगे चलेगा, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में फाकी नहीं मारना है। अगर मॉर्निंग में फाकी मारोगे तो फिर वहाँ धूप में खड़े रहना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है डीवाटरिंग। जो डीवाटरिंग में सबसे मेन चीज़ क्या देखते हैं, जो चलने वाला है आदमी को इलेक्ट्रिशियन, बिना इलेक्ट्रिशियन का कनेक्शन नहीं देना। जो इलेक्ट्रिशियन आता है इलेक्ट्रिशियन से कनेक्शन देना। जो एर्थिंग है डबल एर्थिंग लगाना चाहिए, उस घर में वो नहीं होता, डबल एर्थिंग लगाना, वो चीज़ देख के काम करना। और मैं कभी कभी देखता डी वाटरिंग होने समय से पानी में नहीं रहना कोई भी आदमी, वो लाइव करंट काम चलता, कोई गड़बड़ हुआ तो शार्क लगने के चांसेस रहे। कोई भी आदमी डी वाटरिंग होने समय से पानी में नहीं रहना, बाहर आने के बाद चालू करें, ठीक है, वो चीज़ देख के काम करो, सेफ्टी से काम। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, सेफ्टी। Gracias.